साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। कमजोर हो रहा समुद्री तूफान असानी ओडिशा और पश्चिमी बंगाल में भारी बारिश जारी। ओडिशा के 10 जिलों में अलर्ट हुआ जारी। जितेंद्र नवलानी के खिलाफ एसीबी ने जारी किया एलओसी। संजय राउत ने लगाया था वसूली करने का आरोप। उदयपुर के फतेहनगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में लगी आग। दमकल की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी। पेरा रिवलन की दया याचिका पर राज्यपाल के फैसले का केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में किया बचाव। दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला किया सुरक्षित। आसियान देशों में चुनाव सुधारों से जुड़ी मुहिम की अगुवाई करेगा भारत। मनीला में हुई बैठक में मिली अहम जिम्मेदारी। कोरोना महामारी के बाद भारतीय उपभोक्ताओं में बढ़ी बचत की आदत। ईवाई की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। मनरेगा में धांधली रोकने के लिए सख्त हुई सरकार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने सभी राज्यों को इस मामले पर भेजी गाइडलाइन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रद्द की विदेश यात्रा। कहा ओबीसी की भलाई है सरकार की प्राथमिकता। दुबई में फैमिली वेकेशन के दौरान मुंबई के शिवसेना विधायक रमेश लटके का दिल का दौरा पड़ने से 52 साल की उम्र में निधन। भीलवाड़ा के बाद अब हनुमानगढ़ में तनाव। विश्व हिंदू परिषद के नेता सतवीर सहारण पर हुआ हमला। बीकानेर किया गया रेफर। भीषण गर्मी से निपटने के लिए शिक्षा मंत्रालय का स्कूलों को निर्देश। ड्रेस के नियमों में छूट दे, समय में बदलाव करें। मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल को ईडी ने किया गिरफ्तार। एजेंसी ने उनके कारोबारी पति अभिषेक झा का भी बयान दर्ज किया। आईएएस पूजा सिंघल की गिरफ्तारी पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बीजेपी पर हमला। कहा इनकी स्थिति चोर मचाए शोर की तरह। रांची के बिरसा मुंडा जेल पहुंचते ही बेहोश हुई आईएएस पूजा सिंघल। मनरेगा घोटाले में ईडी ने किया गिरफ्तार। देशी चंदा कानून के उल्लंघन मामले में सीबीआई ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया। 3.21 करोड़ रुपए बरामद। डीजीपी मुकुल गोयल को हटा के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं को दिया बड़ा संदेश। रामपुर में शहर विधायक आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को चंदा देने वाले पर भी है ईडी की नजर। खंगाल रही दस्तावेज। उत्तर प्रदेश के 19 जिलों के 4.25 करोड़ लोगों को खिलाई जाएगी फाइलेरिया रोधी दवाएं। 27 तक चलेगा अभियान। मेरठ में बड़ी भाजपा की सक्रियता। पार्टी बना रही 2024 की रणनीति। 4 सीटों को खोने का है प्लान। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में
एक जवान गिरफ्तार, हनी ट्रैप के जरिए आईएसआई ने फंसाया जाल में। ग्रेटर नोएडा में हैरान कर देने वाली घटना, पुलिस चौकी में घुसकर बदमाशों ने किया कारोबारी पर हमला। यमुना एक्सप्रेसवे पर डंपर से टकराई बुलेरो, महाराष्ट्र और कर्नाटक के 5 लोगों की मौत, 2 लोग हुए घायल। गौतम बुद्ध नगर को मिल सकता है 4th केंद्रीय विद्यालय, सीएम योगी ने योगी के करीबी विधायक की मानी गई बात। पौधारोपण से यूपी की नदियों का पुनरुद्धार, लखनऊ मंडल में रोपे जाएंगे 30 लाख से ज्यादा पौधे। यूपीपीएससी की कृषि सेवा मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी, 78 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त। मेरठ में तेज धूप के साथ ही सुबह की शुरुआत, दिन में लू के थपेड़े करेंगे परेशान, 3 दिन तक झुलसाने वाली गर्मी। शहर में कार सवार बदमाशों ने पहले रास्ता पूछा, फिर गोली मारकर की हत्या, पुलिस कर रही जांच। सीतापुर में पीड़ित ने तहसील कार्यालय में किया आत्महत्या का प्रयास, गले में फंदा डालकर पेड़ पर चढ़ाई हुआ। ससुराल गए शामली निवासी युवक समेत कई लोगों को मेरठ में बंधक बनाया, बेटी की शादी करने पर मिली जान से मारने की धमकी। अलीगढ़ में 3 तलाक की फिर एक महिला शिकार, पीड़िता ने एसएसपी से की शिकायत और न्याय की लगाई गुहार। औरैया में नवोदय विद्यालय के छात्रों का लेटर हुआ वायरल, छात्राओं से माफी मांगने की उठाई मांग। बिजनौर में जिला भ्रमण पर रही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल ने कई कार्यक्रम में की शिरकत, विश्वविद्यालय के कुलपतियों को दिए प्रशस्ति पत्र। रायबरेली में जमीनी विवाद का मामला, पिता ने बेटे को लाठी डंडों से जमकर पीटा, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। गाजियाबाद में चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, मालिक को खाने में दिया नशीला पदार्थ, घर का सारा सामान लेकर हुआ फरार। दुष्कर्म की कोशिश करने वालों की पिटाई से घायल महिला की मौत, शव लेकर आरोपियों के घर पहुंचा परिवार, किया हंगामा। मिर्जापुर में बच्चों से गैस सिलेंडर उठवाने का वीडियो वायरल होने के बाद प्रधानाध्यापिका हुई निलंबित। सांसद वरुण गांधी बोले, राजनीतिक विद्वेष के कारण दर्ज न हो फर्जी मुकदमे, बैठक में कई विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। फ्री में अनोखे सेलिब्रेशन का मौका, लखनऊ मेट्रो में बार बार दिन में आए गाकर अपनों संग काटे केक और मना सकते हैं बर्थडे और सालगिरह। कानपुर देहात में सज रहा शादी का पंडाल और हाथों में मेहंदी सजा बैठ रही दुल्हन, नहीं आया दुल्हा और बारात। गोरखपुर में डीएम ने बढ़ाया प्रधानों का हौसला, बोले प्रधान तो कोई रोक नहीं सकता गांव का विकास।
डीजीपी मुकुल गोयल पर योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, पद से हटाकर भेजा गया डीजी नागरिक सुरक्षा। यात्री सुविधाओं के लिए बढ़ा राम मंदिर का क्षेत्रफल, संशोधित मानचित्र को मिली मंजूरी, ट्रस्ट ने संशोधित मानचित्र का आवेदन किया था। जालसाज अशोक पाठक पर और शिकंजा कसे की सीबीआई, 45 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप। योगी सरकार का जिलाधिकारियों को निर्देश, विधायक के रहते पूर्व मंत्री को ना बनाए मुख्य अतिथि। सीएम योगी आदित्यनाथ का आईएएस अधिकारियों को निर्देश, संवाद के जरिए जन समस्याओं का करे समाधान। यात्रा पड़ावों पर जाम से बढ़ी श्रद्धालुओं की मुश्किलें, नहीं है पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था। तीर्थयात्रियों की मौत में दिख रहा कोरोना का आफ्टर इफेक्ट, तीर्थयात्रियों को हर संभव चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के निर्देश। जन शिकायतें लंबित तो अधिकारी जवाबदेह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नौकरशाही और लाल फीताशाही पर अपनाया कड़ा रुख। अब श्रद्धालु आसानी से कर सकेंगे बाबा केदार के दर्शन, मंदिर परिसर में आईटीबीपी ने संभाला मोर्चा। नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा, कांग्रेस ने सरकार बनाने के लिए नहीं, गरीब और पिछड़े के विकास के लिए लड़ाई लड़ी। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह के बयान पर दी प्रतिक्रिया, कहा दुनिया के साथ बैठकर ही करनी पड़ती है पर्यटन की बात। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज बोले, दुबई अरेबियन ट्रैवल मार्ट के तहत उत्तराखंड को मिला है अपार प्राकृतिक सुंदरता का उपहार। जीत के ट्रैक रिकॉर्ड से भाजपा उत्साहित, कांग्रेस के लिए एकजुटता की चुनौती। हालत पतली, देहरादून में अब बिजली दर बढ़ोतरी की गुहार लगा रहा निगम। नाइजीरिया में बम से उड़ाने की धमकी, देहरादून के रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ी। चारधाम यात्रा में आस्था का सैलाब, पहले सप्ताह में 2.5 लाख से ज्यादा यात्री पहुंचे, अब करा सकते हैं पंजीकरण। युवाओं में भी बढ़ रहा है हार्ट अटैक, फेलियर का खतरा, सीआरटी दिल की दक्षता को सुधारने में है सक्षम। कंट्रोल रूम से नहीं जुड़ पा रहे उत्तराखंड में चार धाम, कमजोर संचार नेटवर्क होने का बताया जा रहा कारण। उत्तराखंड में रेफरल को अस्पतालों में बनेगी कोऑर्डिनेशन डेस्क, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को दिए निर्देश। आधुनिक तकनीक से लैस होगा रोडवेज कार्यशाला, सचिव को परिवहन ने किया हरिद्वार रोड स्थित कार्यशाला का निरीक्षण। अमेरिकी संसद में यूक्रेन के लिए 3000 करोड़ की मदद का प्रस्ताव पारित, सैन्य सहायता के लिए होगा आधे से ज्यादा धनराशि का इस्तेमाल।
पाकिस्तान में हिंदू मंदिर पर हमला करने वाले 22 लोगों को 5-5 साल की सजा। पिछले साल रहीम यार खान जिले में गणेश मंदिर पर हुआ था हमला। लंदन पहुंचे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और बड़े भाई नवाज शरीफ से मुलाकात की। पाकिस्तान में गंभीर जलवायु परिवर्तन से पिघल रहे ग्लेशियर, बढ़ रहा प्राकृतिक आपदा का खतरा। त्रिकोमाली नौसैनिक अड्डे पर कड़ी सुरक्षा में महिंदा राजपक्षे, देश भर में कर्फ्यू, कई नेताओं की संपत्तियां आग के हवाले। चीन में तिब्बती एयरलाइंस का विमान रनवे से फिसला, आग लगने से 40 लोग हुए घायल। श्रीलंका के राष्ट्रपति का पद छोड़ने से इनकार, कोलंबो में सेना तैनात, हफ्ते भर में नया पीएम नियुक्त करने का वादा। नॉर्थ कोरिया में मिला कोरोना का पहला केस, किम जोंग उन ने देश में लगाया लॉकडाउन। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने दी चेतावनी, पुतिन कर सकते हैं परमाणु हथियार का इस्तेमाल। लावरोव के तल्ख तेवर, कहा रूस के पास अपने ऊर्जा संसाधनों के पर्याप्त खरीदार मौजूद। किसानों के लिए कमाल की सरकारी योजना, बिना कुछ किए हर महीने मिलेंगे 3,000 रुपए। पीएनजी सस्ती करने के लिए सरकार ने गैस आवंटन आदेश को किया संशोधित, सिटी गैस इकाइयों को गैस आवंटन 3 महीने के आधार पर किया जाएगा। सऊदी अरब को बनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी, एप्पल को छोड़ा पीछे, उपभोक्ता मांग के बीच एप्पल ने उम्मीद से बेहतर मुनाफा कमाया है। अडानी और अंबानी की संपत्ति में आई भारी कमी, एक दिन में गवा दिए 50,000 करोड़ रुपए, अरबपतियों की सूची में भी फिसले। एफडी में गाड़ी कमाई रखने वालों के लिए खुशखबरी, एक्सिस बैंक ने एफडी पर ब्याज दरें बढ़ाने का किया ऐलान, सीनियर सिटीजन को मिलेगा ज्यादा ब्याज। दोबारा लुढ़का बाजार, 930 अंक फिसला सेंसेक्स, निफ्टी लुढ़का 16,000 के नीचे, शुरुआती कारोबार में सभी सेक्टर्स में गिरावट है। अल्कोहल टेस्ट में फेल हुए 9 पायलट और 32 क्रू मेंबर्स, डीजीसीए ने किया सस्पेंड, महामारी की वजह से टेस्ट कुछ महीने के लिए स्थगित कर दिया गया था। ब्रोकर्स और ट्रेडर्स को बड़ी राहत, सेबी ने बदले मार्जिन के नियम, अब मार्जिन का स्नैपशॉट बर्निंग ऑफ द पैरामीटर के हिसाब से देना होगा। जल्द सस्ता एड सपोर्टेड सब्सक्रिप्शन प्लान पेश कर सकती है नेटफ्लिक्स, पासवर्ड शेयरिंग के बदल सकते हैं नियम। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर और दुनिया के चौथे सबसे अमीर शख्स बिल गेट्स को हुआ कोरोना, कहा आइसोलेशन में हूं। राजस्थान को हराकर दिल्ली ने रखी प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा, गुजरात, लखनऊ और राजस्थान की टीमें टॉप 4 में बनी हुई हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान को भाया भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा, साथ खेलने के बाद जमकर की प्रशंसा।
23 विकेट लेकर टॉप फोर बरकरार है। युजवेंद्र चहल हसरंगा से मिल रही है कटकर। मिचेल मार्श और अश्विन के लिए यादगार मैच। आईपीएल में पहली अर्धशतकीय पारी खेलने में लग गए 10 साल। पृथ्वी शॉ की वापसी को लेकर आया अपडेट। कप्तान पंत ने दिया बड़ा बयान। डेविड वार्नर को एक ही ओवर में मिले 3 जीवन दान। स्टंप पर जा टकराई गेंद लेकिन नाबाद लौटे। विराट कोहली को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चयन करता देख सकते हैं आराम। पहले कप्तानी छोड़ी अब आईपीएल से बाहर हुए चेन्नई के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। मिचेल मार्श की धमाकेदार पारी। दिल्ली ने राजस्थान को 8 विकेट से हराए। चार साल बाद होगी आईपीएल क्लोजिंग सेरेमनी। टेंडर हुआ जारी। रणवीर सिंह सहित कई कलाकार लेंगे भाग। महेश बाबू के बयान पर प्रोड्यूसर मुकेश भट्ट ने किया पलटवार। बोले बॉलीवुड उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता तो ये अच्छी बात है। टाइगर श्रॉफ की गणपत से भिड़ेगी रणवीर सिंह की सर्कस। क्रिसमस पर दोनों फिल्मों का होगा क्लैश। बाप बाप होता है। सुनील शेट्टी ने अपने स्टाइल में दिया महेश बाबू को जवाब। रणबीर कपूर और रणवीर सिंह ने देहाड़ी डिस्को पर किया जबरदस्त डांस। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं हुक स्टार। कांस फिल्म फेस्टिवल में धूम मचाएंगी हिना खान। रेड कारपेट पर एक बार फिर चलेगा कोमोलिका का जादू। फिल्म टंकी के सेट से सामने आई शाहरुख खान की तस्वीर। अलग अंदाज में दिखे एक्टर। शमिता शेट्टी की खातिर मुंबई शिफ्ट होंगे बिग बॉस फेम राकेश बापट। एक्टर ने लिया नया घर। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का दूसरा गाना मैं की करा रिलीज। दिल छू जाएगा बोल। आयुष शर्मा ने दादा सुखलाल को भारी मन से दी अंतिम विदाई। सलमान खान ने भी जताया दुख। आईफा इवेंट में शामिल होने के लिए देश से बाहर जाना चाहती हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस। कोर्ट से मांगी इजाजत। प्राइम शो तक में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। सच साहस सरोकार।